स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने यहां संदिग्धों की धरपकड़ के लिए बुधवार को होटल सराय में तलाशी अभियान चलाया। वहीं अजमेर जिले और शहर में आने वाले मुख्य मार्गों पर विशेष गश्त और निगरानी व्यवस्था लागू की गई। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने बताया कि गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए जिले में विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है। जहां अजमेर शहर में पटेल स्टेडियम को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। मंगलवार को सीआईडी ने डॉग स्क्वाड की मदद से पटेल मैदान के चप्पे चप्पे की जांच की। शहर में थाना पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा। देखिए 15 अगस्त के लिए जो हमारा इंतजाम होता है उसके ऑर्डर निकल चुके हैं और कल स्टेडियम के अंदर से लेकर के बाहर और पूरे शहर में जो विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं उनके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारा जाब्ता वहां पर स्टेडियम पर रहेगा। इसके अलावा शहर में जगह जगह पर नाकाबंदी पॉइंट्स हम लगा रहे हैं। नाकाबंदी आज से ही शुरू हो जाएगी ताकि जो भी व्हीकल्स शहर में आ रहे हैं या यहाँ पर भी जो लोगों का मूवमेंट है वो क्रॉस चेक होता रहे, इस बात का पता चलता रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और व्हीकल्स जो है हम रैंडमली चेक करते रहेंगे। यातायात व्यवस्था में जो चेंज है उसका अलग से डिटेल निकाला जाएगा। वो चेकिंग लगातार होटलों की चेकिंग की जा रही है, धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है। आज शाम को और इंटेंसिव चेक किया जाएगा ताकि कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रुका हुआ जो कि किसी तरह की समस्या करे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।